मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीते दिनों कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन में आयोजित NSUI के प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होकर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि हम सरकार तो बना लेते हैं लेकिन उसे रिपीट नहीं कर पाते। इस पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने जुबानी हमला करते हुए कहा कि ये कांग्रेस के इतिहास को देखकर नहीं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के डावाडोल भविष्य को देखते हुए दिया गया बयान है। छत्तीसगढ़ की जनता ने भाजपा की सभाओं में भूपेश जी को आईना दिखाना शुरू कर दिया है। देखिए आज कांग्रेस में कितनी बौखलाहट है। अभी NSUI की बैठक में भूपेश बघेल जी ने स्वीकार किया हम सरकार को बना लेते हैं पर रिपीट नहीं कर पाते। भूपेश बघेल जी जनता को लूटोगे, जनता की परवाह नहीं करोगे, जनता को प्रताड़ित करोगे, परेशान करोगे, जनता की अवहेलना करोगे तो रिपीट तो होगे नहीं। इसलिए आपने हार तो स्वीकार कर लिया है और यही वो बौखलाहट है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सभाओं में लोग आ रहे हैं, भीड़ आ रही है, जिस प्रकार से बड़ी संख्या में लोग भारतीय जनता पार्टी में लगातार शामिल हो रहे हैं और उसके बौखलाहट में ये बोल रहे हैं। केंद्रीय नेता तो इनके भी शैलजा कुमारी जी, प्रियंका जी को अभी लेकर आए थे, तो केंद्रीय नेता तो इनके भी आ रहे हैं। क्या भूपेश बघेल जी पर भरोसा नहीं है कि प्रियंका जी आ रही है, बस्तर बार बार आ रही है, राहुल गांधी जी आए थे, शैलजा जी लगातार घूम रही है। तो ये भूपेश बघेल जी की बौखलाहट है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम जो सफल हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की सभा में जो भीड़ उमड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी में जिस प्रकार से बड़ी संख्या में लोग जगह जगह पर पार्टी में शामिल हो रहे हैं, उसकी बौखलाहट के कारण ये बयान दे रहे हैं।